पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने थामा बीजेपी का दामन, शिवराज सिंह के हाथों ग्रहण की सदस्यता। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों बुधनी विधानसभा के नांदनेर के बीजेपी की सदस्यता ली है। बता दें कि टिकट मिलने से नाराज दीपक जोशी विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर कांग्रेस की टिकट पर खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी खुली छूट, खर्चा देने का भी ऐलान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर किसानों के लिए बड़ा ऐलान दिया है। इस बार शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए छूट देते हुए कहा है कि किसान जहां चाहे अपनी फसल ले जाकर बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, फसल के अच्छे दाम के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को मंडी आने जाने का खर्च देने का भी ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। इस दौरान शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फुस्सी बम है, हिमाचल और कर्नाटक में उनकी गारंटियां फेल हो गईं। कांग्रेस की सरकार इतने समय तक रही लेकिन बहनों के खाते में कभी एक रुपया नहीं डाला। भाजपा सरकार द्वारा बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपये डाले जा रहे हैं। अब इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार, सचिन पायलट बोले। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। बता दे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी जमकर निशाना साधा है। बता दे, अभी सचिन पायलट मध्य प्रदेश में रहकर विजयपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल विजयपुर चुनाव को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ये सब खुद देख रही है कि आखिर भाजपा किस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अब जनता खुद भाजपा को इसका जवाब देगी। लाडली बहना योजना के साथ इन चार योजनाओं से भी मिल रहे पैसे, आप भी करें आवेदन। जी हां, मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार हर बड़े से बड़ा कदम उठा रही है। इसलिए न सिर्फ लाडली बहना योजना बल्कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस रिफिलिंग, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को मजबूत बना रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार के हर बड़े कदम एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आ रही है। इस चुनाव में किंगमेकर की भूमिका निभाएगी जातियां, दिग्गज नेताओं ने संभाला मोर्चा। जी हां, श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव अब जातिगत समीकरणों में उलझता नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन आमने सामने के इस मुकाबले में इस बार कई बड़ी जातियां किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रही हैं। यही वजह है कि दोनों दल संबंधित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए उसी जाति के नेताओं को मैदान में उतार रही है, ताकि जातिगत मतदाताओं को रिझाया जा सके। जल्द ही विदेश यात्रा पर होंगे मोहन यादव, इंग्लैंड और जर्मनी से आएगा निवेश। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे नवंबर के अंतिम सप्ताह में इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की खासियत बता विदेश से निवेश लाने का प्रयास करेंगे। वे इंग्लैंड में लंदन, जर्मनी में म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों से मिलेंगे। सीएम का पूरा फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस, टूरिज्म और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश लाने पर रहेगा। दोनों देशों में कला संस्कृति पर चर्चा होगी। साथ ही वे फ्रेंड्स ऑन ऑफ एमपी समूहों से भी भेंट करेंगे।